What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 10 जुलाई 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:22 हो रहे हैं। हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। लास्ट चार दिन से हम देख रहे हैं निफ्टी एक साइडवेज पैटर्न में ट्रेड हो रहा है, एक 100 पॉइंट के रेंज में ट्रेड हमने देखने को मिल रहा है। तो अभी आइदर बोथ द डायरेक्शंस ये लेवल्स को अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी इंडेक्स का हमें ट्रेंड पता चल सकता है। तो कल जो हमने एनालिसिस किया था उसका एक वीकली रिव्यू करेंगे। अभी 2020 के क्वार्टरली रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे क्वार्टर वन के। तो ये जो क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर, ये पूरा लॉकडाउन में गया है। तो कंपनीज क्या रिजल्ट पेश करेगी, इसका रिएक्शन हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। तो ये एक रिव्यू करते कल के एनालिसिस का। ये कल का पिक्चर है, यानी 9 जुलाई आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,744 के पास। तो जैसे ही निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास ये ओपन हुआ और फर्स्ट टारगेट 10,767 अचीव करने के बाद काफ़ी देर एक स्लगी शुबे में ये ट्रेड हो रहा था। करीब करीब 12:30 के बाद यहाँ पर एक हल्का सा मोमेंटम आना शुरू हुआ, लेकिन काफ़ी एक वोलेटाइल मार्केट कल हमें एक्सपीरियंस करने को मिला। सेकेंड टारगेट भी 10,811 ये यहाँ पर अचीव हुआ और ऑलमोस्ट इसी के पास निफ्टी इंडेक्स क्लोज हुआ। तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए, हालांकि काफ़ी बोरिंग मार्केट था। ट्रेंडिंग मार्केट हमें लास्ट चार दिन से देखने को नहीं मिल रहा। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 20 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 15,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू। जो हमारे साथ नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि अपस्टॉक्स का एक ऑफर है। जैसे कि हमारे अंडर कोई अकाउंट ओपन करता है जीरोधा, अपस्टॉक्स या फिर फायरफॉक्स या एंजल ब्रोकिंग, तो हमारे इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप उसको फ्री में मिलती है। और अपस्टॉक्स की तरफ से ये 12 जुलाई यानी संडे तक ये ऑफर है। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के तो कोई चार्जेस नहीं है, प्लस आने वाले 30 दिनों के लिए आपको ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, जीरो ब्रोकरेज लगेगा। और एक मनी कंट्रोल का जो प्रो मेंबरशिप ईयरली सब्सक्रिप्शन है ₹2,000 का, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिलेगा। तो ये ऑफर सिर्फ संडे तक है अपस्टॉक्स की तरफ से। अगर आपको अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है, तो हमारी ये वेबसाइट है, इसके यहाँ पर आप जाकर इन तीनों में से कोई एक, अगर आपको जीरोधा करना है, अपस्टॉक करना है, आपको यहाँ पर सिर्फ क्लिक करना है, उसके बाद ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। आपके डिटेल्स यहाँ भरने हैं, ऑनलाइन प्रोसेस है, एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पर कॉल करना है ताकि क्लाइंट आईडी को हम कंफर्म कर सके, फिर आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड किया जाएगा। तो ये था एक क्विकली ट्रेडिंग फैब के बारे में इंट्रो। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल नासडैक फिर से एक बार हरे निशान में बंद हुआ। शुरुआती जो शुरू हुआ था मार्केट, तभी काफ़ी प्रेशर में दिखाई दे रहा था, हालांकि बाद में रिकवर होते हुए हरे निशान में बंद हुए। यूरोपियन बाजार देखे तो कल कमजोरी के साथ पूरे लाल निशान में बंद हुए, लंदन मार्केट हो, जर्मन मार्केट हो या फिर फ्रांस मार्केट हो। एशियाई बाजार देखे तो अभी लगभग सभी लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। जो कोरोना वायरस के केसेस है वो दुनिया भर में लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि वैक्सीन के ऊपर पॉजिटिव खबरें आ रही है, लेकिन जो केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। WHO ने कहा है कि ये बाय एयर भी कोरोना वायरस फैल सकता है, तो इससे ज़्यादा थोड़ी सी मुश्किल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये एशियाई बाजारों का हाल है इस समय। डाउ फ्यूचर को देखें तो वो भी 44 पॉइंट की कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी इंडेक्स में अगर देखें, डेली चार्ट से शुरू करते हैं। ये डेली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। ये क्लियरली यहाँ पर एक रेंज बना हुआ है, ऊपर 10,817 के पास और नीचे 10,700 के पास। एक 100 पॉइंट के रेंज में ये ट्रेड हो रहा है लास्ट चार दिन से। कंसोलिडेशन फेज है ये। तो इसका अपर बैंड या फिर लोअर बैंड को ये ब्रेक करता है तो यहाँ से हमें निफ्टी इंडेक्स नेक्स्ट ट्रेंड के बारे में कंफर्मेशन मिल सकता है। RSI को देखिए, RSI ने अभी यहाँ पर एक स्विंग लो बना के फिर से ऊपर आने की कोशिश की है। हालांकि इसने अभी तक लास्ट ये जो स्विंग हाई बना है उसको ब्रेक नहीं किया। तो अगर यहाँ से निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ चलता है तो RSI में हो सकता है ये लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बने, और अगर नेक लाइन को ये ब्रेक कर देता है तो
तो निफ्टी इंडेक्स में हमें यहाँ से और करेक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर ये 20 EMA को अगर आप देखें तो लास्ट 16 जून के बाद इसने 20 EMA को एज ए सपोर्ट टेस्ट नहीं किया, तो ये हो सकता है कि 20 EMA तक ये करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है अगर ये लोअर बैंड को कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो। अभी फिलहाल कंसोलिडेशन वे में चल रहा है, ऊपर अपर बैंड या लोअर बैंड ब्रेक होता है तो ही हमें आने वाले ट्रेंड के बारे में कंफर्मेशन मिल सकता है। एक बार मंथली चार्ट को देख लेते हैं। मंथली चार्ट में 20 EMA के पास ये अटका हुआ है निफ्टी इंडेक्स। अगर ऊपर जाते वक्त इसने 20 EMA को इस महीने में क्रॉस कर दिया, इसके ऊपर ये ब्रेक हुआ तो ही यहाँ से अपसाइड मूव हमें कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये था डेली और मंथली चार्ट का एनालिसिस। चलते 60 मिनट के चार्ट में। 60 मिनट के चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल हमने ड्रॉ किया था 10,817। आर्ली चार्ट में इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा है, लास्ट 3 या 4 दिन से देखे तो एग्जैक्ट इस लेवल को पेनेट्रेट कर रहा है और इसके नीचे आके आर्ली चार्ट में ये क्लोज हो रहा है, यानी ये लेवल काफी यहाँ पर हर्डल का काम कर रहा है। तो इसके ऊपर यानी कल के हाई के ऊपर अगर ये चला जाता है तो क्विकली इसके ऊपर एक R1 का पिवट पॉइंट का लेवल है, तो कंफर्टेबली R1 के लेवल को ब्रेक करने दीजिए। 10,855 को अगर ये ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,871, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा R1 का पिवट पॉइंट यानी 10,896 के पास हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और निफ्टी इंडेक्स अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है तो एक यहाँ पर एक छोटा सा स्विंग लो बना था 2 दिन पहले यानी 10,780 के पास, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये 20 EMA। क्विकली छोटा टारगेट होगा 10,766 का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 10,750, ये हमारा सेकेंड टारगेट हो। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5paisa है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कन्फर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।